हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। देखते जो मैंने प्रथम थर चैनल को विजिट करते निश्चित भाव में सब्सक्राइब करनी पाखे थे बेल बटन को प्रेस करनी जहाँफल कि भिडियर प्रथम नोटिफिकेशन आपरे पहुँच पार और चैनल टी जदि सर्च आसुना ही द लर्निंग हब फॉर रोटेड मारे निश्चित भाव में आपको शो कराइब आम क्लास गुड़िक जब आप हेल्पफुल इनफर्मेटिव होता है निश्चित भाव में लाइक शेयर सब्सक्राइब करा बुलां तो आज आम किसी डिस्कसन करवा आपर एसएसटी पेडागोगी एसएसटी पेडागोगी जोड़ा कि आपर प्रीवियस ईयर आसी तो आम किसी क्वेश्चन देखा ठीक अच्छे। तो प्रथम क्वेश्चन देखो कहला के प्रकार प्रश्न प्रस्तुत करवा जटिल समय सापेक्ष किंतु मूल्यायन करवा अपेक्षाकृत सहज साध्य होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू प्रिपेयर बट रिलेटिवली इजी फॉर इवैल्यूएशन। ऑब्जेक्टिव ना ऑब्जेक्टिव बेस्ड ना वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ना शॉर्ट आंसर टाइप। जदि आम राइट आंसर देखा तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो राइट आंसर कारण मोटामोटी भाव में आम जब देखा वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रस्तुत करवा कष्टसाध्य होता है जटिल होता है किंतु यार मूल्यायन करवा आप इजी होता है। जमीक वस्तुनिष्ठ प्रश्न भितर आपंकर ये वोटेड क्वेश्चन देखुए ये मल्टीपल चॉइस तो ये वस्तु ये गोटे प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो ये जो प्रश्न प्रस्तुत करा कष्टसाध्य होता है कारण चारोट ऑप्शन बाछे चारोट ऑप्शन गुड़िक समधर्मी अर्थात पे चारोट ऑप्शन जाक जमी ठीक उत्तर भाई लगुत तो प्रश्न प्रस्तुत करा कष्टसाध्य होता है किंतु यही प्रश्न को मूल्यायन करवा इजी होता है। पिला जब ठीक उत्तर लिखी तो एक मिल जब भूल तो जीरो तेनाली राइट आंसर हम आपर वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला भूगोल शिक्षादान पद्धति दृष्टि केवटे अगर तीनो भिन्न व्हिच वन इज डिफरेंट फ्रम द अदर थ्री इन जियोग्राफी टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू कहला शिक्षा पर्यटन श्रेणी प्रदर्शन क्षेत्र परिभ्रमण ना परिभ्रमण तार राइट आंसर कौन है देखो भूगोल शिक्षादान पद्धति दृष्टि केवटे अगर तीनो भिन्न शिक्षा पर्यटन तो ये देखते आपणकर शिक्षा पर्यटन जोटा कि स्टडी टूर लिखाई आउटे आपंकर फिल्ड ट्रिप क्षेत्र परिभ्रमण एक्सकर्सन परिभ्रमण ये जो तीनो देखुं ये तीनो हूँ आपंकर चाइल्ड सेंटर्ड मेथड किंतु आपंकर श्रेणी प्रदर्शन यहाँ हूँ आपंकर गोटे टीचर सेंटर्ड मेथड तेणु ये आपंकर श्रेणी प्रदर्शन अलग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला निम्नोक्त केउंटी भूगोल शिक्षादान मानचित्र ग्लोव ठार अधिक उपयोगी केउंटी भूगोल शिक्षादान मानचित्र बेसी यूजफुल होता है ग्लोव ठार शेप ऑफ द अर्थ पढ़ेला बेले ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ना लैंडस्केप ना डायरेक्शन राइट आंसर कौन हो देखो शेप ऑफ द अर्थ पढ़ाई तो ग्लोव दरकार लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी ग्लोव दरकार दिग भी ग्लोव कि जो भू दृश्यावली देती भू दृश्यावली जोटा लैंडस्केप देती तो तार आपर मानचित्र बेस यूजफुल होता है देन ग्लोव ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी कहला भूगोल शिक्षादान क्यों पद्धति मुख्यतः शिक्षार्थी कैंद्रिक अटे व्हिच मेथड ऑफ टीचिंग जियोग्राफी इज प्राइमरली पीपल सेंटर्ड वर्णना प्रकल्प व्याख्यान ना आलोचना तो राइट आंसर कौन हो प्रकल्प पद्धति कारण ये जो वर्णना व्याख्यान आलोचना ये टीचर सेंटर्ड मेथड केवल प्रकल्प ये जो अच्छे से गोटे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला देखो कहला मानचित्र अध्ययन निम्नोक्त केउंटी अंतर्भुक्त नुहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मैप स्टडी मानचित्र भाषा शिक्षा लर्निंग मैप लैंग्वेज मानचित्र संरक्षण मैप प्रिजर्वेशन मानचित्र पठन मैप रीडिंग ना मानचित्र अनुशीलन मैप इंटरप्रिटेशन। तो आपंकर जो मैंने थे जो मैंने एसएसटी पिला तो पेडागोगी सेक्शन में मानचित्र रही तो मानचित्र विषय आप पढ़ा जाऊ तो आप देखी थे मानचित्र मानचित्र भाषा शिक्षा से मानचित्र पठन थी मानचित्र अनुशीलन थी कि कौन से मानचित्र संरक्षण सेमती किसी ना ही मानचित्र अध्ययन अंतर्भुक्त नुहे कौटा ना मानचित्र संरक्षण और ये क्वेश्चन आपंकर रिपीट भी होती 2016 और 2017 भी आसी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कहला केउंटी बौद्धिक विकास उपादान नुहे व्हिच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्रिएटिविटी टॉलरेंस थिंकिंग ना इमेजिनेशन ये आपंकर सीडीपी क्वेश्चन सीडीपी रे भी आसी थाए तो मुझे कही बहुत सारा क्वेश्चन आपंकर सीडीपी सेक्शन में क्लीयर अच्छे कनसेप्ट तो आप अलग सेक्शन जो पेडागोगी भी आसूँ तो जमी ये आसी आपंकर सृजन शक्ति सहन शक्ति चिंतन शक्ति ना कल्पना शक्ति ये आपंकर सीडीप सेक्शन में भी गोटे ईयर आसी क्वेश्चन तो ये आपंकर कौन हो सहन शक्ति गोटे बौद्धिक विकास सहित इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सहित रिलेटेड नुहे कि सृजन शक्ति हम चिंतन शक्ति कल्पना शक्ति ये सब बौद्धिक विकास उपादान किंतु सहन शक्ति नुहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहला शिक्षार्थी मान शैक्षिक दोष दुर्बलता के प्रकार मूल्यायन द्वारा निरूपण कराई थाए बाय व्हिच मेथड ऑफ इवैल्यूएशन इज द वीकनेस ऑफ ए स्टूडेंट आइडेंटिफाइड डायग्नोस्टिक सिचुएशन कंक्लूसिव ना कंटिन्यूअस। तो जो मैंने आम सहित रेगुलर जड़ित होती सी डी पी प्रीवियस ईयर टोटाली उपर आनालीसीस करी बहुत थर एक क्वेश्चन आम डिस्कसन करे दोष दुर्बलता पिलार निरूपण आपंकर नैदानिक डायग्नोस्टिक टेस्ट कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला केउंटी पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण उदाहरण अटे व्हिच वन इज एन एग्जांपल ऑफ मोटर स्किल बेस्ड लर्निंग पिक्चर ड्राइंग सर्वे इमिटेशन एंड मेमोराइजेशन। कहला मोटर स्किल आमर जो पेशीय कौशल मसल आम कौन यूज करुचे से फाइन मोटर स्किल हो ग्रॉस मोटर स्किल हो कौन आम मसल यूज हो पचारे तार गोटे उदाहरण तो आपने देखिपे चित्रांकन पिलाटे चित्रांकन जिते बुच्च तर मोटर स्किल यूज होती खाली पर्यवेक्षण करवा कि अनुकरण करवा मेमोराइज करवा एर कौन प्रकार मोटर स्किल यूज होना कि पिक्चर ड्रइंग में मोटर स्किल तार यूज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला देखो प्राथमिक शिक्षार्थी मान शिक्षणगत दुर्बलता दूर करने शिक्षक क्यों गोटी उपर गुरुत्व देवे क्रियाकलाप भित्तिक कार्यक्रम जोटा कि एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम ना मेमोराइजेशन ना डिस्कशन डिस्क्रिप्शन ना टेक्स्ट बुक। तो से कहते प्राथमिक श्रेणी जो पिलामन अछन्ते तांकर जो शिक्षणगत दुर्बलता आम दूर करने चारोटी ऑप्शन दिखाई ता भितर के गोटे बेस्ट हे आपने देखिपे एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम से बेस्ट हे कारण मेमोराइजेशन तो बिल्कुल नुहे कि डिस्कशन डिस्क्रिप्शन तो नुहे टेक्स्ट बुक भी ये हेनी ये सब बेस्ट हे आपर एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम आम एक्टिविटी मध्यम पिलामानकर दोष दुर्बलता जहाँ थी पुणी आम एक्टिविटी मध्यम शिक्षा दे सब दूर करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला जो क्योंकि शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षा व्यवस्था सहित संपर्कित नुहे व्हिच वन इज नॉट रिलेटेड विथ लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन। कहला शिशुर शिक्षण अनुभूति उपर गुरुत्व प्रदान ना शिक्षकों पथ प्रदर्शक रूपे कार्य ना प्रश्न उत्तर माध्यम शिक्षादान ना शिक्षार्थी शिक्षण प्रक्रिया केन्द्रबिंदु। तो शिशुर शिक्षण अनुभूति उपर गुरुत्व प्रदान तमें ये तो गोटे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड एवं आपणकर जो शिक्षक पथ प्रदर्शक रूपे कार्य यहाँ भी गोटे चाइल्ड सेंटर्ड कारण आपने जानते चाइल्ड सेंटर्ड मेथड टीचर जन फैसिलिटेटर हिसाब से कार्य करते शिक्षार्थी शिक्षण प्रक्रिया केन्द्रबिंदु यहाँ भी हूँ चाइल्ड सेंटर्ड मेथड कि प्रश्न उत्तर माध्यम से शिक्षादान ये गोटे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड नुह यहाँ गोटे टीचर सेंटर्ड मेथड और ये क्वेश्चन आपंकर सी डी पी सेक्शन में पिलामानंकर आसी ठीक अच्छे सी डी पी सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा सृजनशील शिक्षार्थी को चिन्हवाई शिक्षक क्यों प्रकार प्रश्न पचार आवश्यक व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी टीचर आस्क टू आइडेंटिफाई क्रिएटिव चिल्ड्रेन। तो ये क्वेश्चन भी मुझे कहि यहाँ भी सी डी पी सेक्शन में आसी क्रियाकलाप भित्तिक निदानात्मक केन्द्राभिमुखी चिंतन ना विक्षिप्त चिंतन अलवेज मुझे पिलाए जो सृजनशील जोटे देखिए आखि बुझे विक्षिप्त चिंतन ही मारे डाइवर्जेंट थिंकिंग ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला कौन पर निम्नोक्त प्रयत्न प्रमाद पद्धति अधिक फलप्रद होता है फॉर व्हाट इज द ट्रायल एंड एरर मेथड मोर इफेक्टिव तथ्य संग्रह करने पाठ मन रखापी ना अनुसिधान पहुँचापी ना कौशल हासिल करने राइट आंसर हो जाए मेमोराइजेशन ऑफ लेसन ये भी सी डी सेक्शन में आसी बहुत सारा क्वेश्चन एपटे जहाँ जो मैंने एस एस टी पेडा बुक आसी जो दि चार्टा क्वेश्चन आम देख ली ये सब सी डी सेक्शन में भी आसी था। तो प्रयत्न प्रमाद आम से पढ़ी थे आप सी डी सेक्शन में ट्रायल एंड एरर मेथड जो थे कि आपंकर थन डाइक बेसिकर अभ्यास गुरुत्व देते पिलाटे बारंबार प्राक्ट कले हिं तर जिन मन रखु बारंबार प्राक्ट कले मन रही पाठ मन रखापी से जो एग्जाम्पल था जमीती से जोटा देते ल अफ आपर प्राक्ट नियम जोटा देते ल अफ प्राक्ट से कहला पे पणिकी आसिके तो बारंबार प्राक्ट करा दरकार से पाठ मन रखापर जो पद्धति अधिक फलप्रद पाठ मन रखापी ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा कहला अंतर्निवेश शिक्षा कौन ये भी तो सी डी पी सिलेबस रे अच्छे इनक्लूसिव एजुकेशन कथा शिक्षण में आगुआ पिला अधिक गुरुत्व दवा ना शिक्षण में पछुआ पिला अधिक गुरुत्व ना सब वर्गर शिक्षार्थी अधिकार सह शिक्षण सुजोग ना भिन्नक्षम शिक्षार्थी शिक्षण सुजोग। तो राइट आंसर कौन हो आपर इनक्लूसिव कथा कहले मैंने सब वर्ग विभिन्न वर्गर पिलामानंकु आमे एकत्र भाव से समवयस्क पिलामानंक सहित शिखबार सुजोग पाइबे। तो नेक्स्ट आसला जो 140 कला इतिहास शिक्षादान शिक्षण गुरुत्व कौन ह्वाट इज द इम्पोर्टेन्स ऑफ टीचिंग लर्निंग हिस्ट्री कला ये गिव्स राइज टू ह्यूमन वैनिटी ना इट प्रोवाइड्स अम्यूजमेंट ना इट एनकरेज वार्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ना इट ट्रेंड्स टू बी रेशनल क्रिएटिव इमेजिनेटिव। तो राइट आंसर कौन हो देखो आम इतिहास शिक्षादान शिक्षण गुरुत्व यह नुहे सी आमको आमोद जोगेब कि अभिमान को आम भितर के अभिमान उद्रेक हम सही जोगाए
कि आपणकर द्वंद्व आउ युद्ध प्रोत्साहित करता बिल्कुल नुहे तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी यह विचार शक्ति संपन्न सृजनशील और कल्पना प्रिय होगापी तालीम देता है यहाँ हम राइट आंसर ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा मानचित्र अध्ययन मध्य क्योंटे अंतर्भुक्त नुहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड विदिन मैप स्टडी मैप इंटरप्रिटेशन देखते ये आगुरी आपंकर क्वेश्चन ठीक मराई है यहाँ जब कह 2016 प्रथम 2016 फास्ट पेपर कारण 2016 दिथर कंडक्ट होता है ओटीटी एग्जाम तो फास्ट टाइम जो कंडक्ट होता है यहाँ से पेपर तो से पेपर आप जो डाउनलोड करते आगुरी एमती टिक मराई है कहला मानचित्र अध्ययन मध्य क्यों अंतर्भुक्त नुहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड विदिन मैप स्टडी मैप इंटरप्रिटेशन ना मैप प्रिजर्वेशन ना मैप सिंबल ना मैप रीडिंग ये भले क्वेश्चन 2017 आम ऊपर जो क्वेश्चन गुटा डिस्कसन करते सब 2017 क्वेश्चन एसएसटी पेटा हो कि ये 2016 रो तो आम क्वेश्चन डिस्कसन करते मानचित्र संरक्षण मैप प्रिजर्वेशन आपंकर ना ही मैप आपंकर मानचित्र अध्ययन मध्य ठीक अच्छे। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमती आनालीसीस करते आपड़ देखिपर के क्वेश्चन आपंकर रिपीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला पापाग पर्यवेक्षण जंत्र व्यवहार कर पाग संबंधी संगृहित सूचना क्यों प्रकार तथ्य अटे व्हिच टाइप ऑफ डाटा इज द इनफर्मेशन कलेक्टेड बाय यूजिंग वेदर इंस्ट्रूमेंट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जेनेरिक तो ये आपको प्राथमिक भितर आसूसी पे पापाग पर्यवेक्षण जंत्र व्यवहार कर पाग संबंधी सूचना संग्रहित कर डायरेक्ट तो ये प्राइमरी भितर आसूसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहला भूगोल शिक्षादान पद्धति दृष्टि क्यों पद्धति अगर तीनों ठार भिन्न यहाँ भी ये क्वेश्चन भी आम उप डिस्कसन करे जो 2017 आसी पुणी एगे 2016 भी क्वेश्चन आसी कहला भूगोल शिक्षादान पद्धति दृष्टि देखते आम पढ़ी जो आपको कही स्टडी टूर फेल्ड ट्रिप एक्सपर्सन ये सब हूँ चाइल्ड सेंटर्ड मेथड बट शिक्षा प्रदर्शनी एजुकेशनल एक्जिबिशन ये लिखा जाए बट ये देखते शिक्षा प्रदर्शनी ओडिया जो देखुंत तो प्रदर्शनी यहाँ आपंकर अलग हम ठीक अच्छे। शिक्षा प्रदर्शन यहाँ भूगोल शिक्षादान पद्धति दृष्टि अलग तो ये देखते ये एक्चुअली एजुकेशनल एक्जिबिशन ये शिक्षा प्रदर्शन हाँ ये देखो इंग्लीश टर्म देखो ये शिक्षा प्रदर्शन यहाँ गोटे अलग हम कि शिक्षा पर्यटन क्षेत्र भ्रमण परिभ्रमण ये सब अलग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा निर्मित क्यों भूगोल शिक्षादान प्रतिरूप प्रस्तुतिर विपरीत धर्मी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रारी टू द मॉडल मेकिंग फॉर जियोग्राफी टीचिंग आकुरेसी कॉम्प्लेक्सिटी इंटरेस्टिंग ना रेलिवेंस। तो जितने आप प्रतिरूप पढ़ा जाए मॉडल विषय भूगोल तो से पढ़े जो तार कत गुड़े नियम थी तो से सादृश्य रहा आकुरेसी रहा इंटरेस्टिंग हाँ रेलिवेंस रहा एगुड़ी सब जाऊँगा किंतु कॉम्प्लेक्स से हम ना जटिलता एत जटिलता हम ना जमी पे बुझीपर ना तो सेमती कॉम्प्लेक्स से रहा उचित नुहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसला प्रकल्प रु आहारित बास्तव ज्ञान और अनुभूति व्यवहार योग्य होगा आवश्यक प्रकल्प पद्धतिर क्यों मौलिक नीति ये सब जुक्तियुक्त अभिज्ञता एक्सपीरियंस ना रियलिस्टिक बास्तवता ना ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ना यूजफुलनेस उपादेयता। तो ये देखते व्यवहार योग्य कथा दे दीजिए आप गोटे टर्म आपने जापारे यूजफुलनेस उपादेयता भितर आसीज कारण व्यवहार योग्य पिलाकर आसो अर्थात यूजफुल आसो तेनाली उपादेयता हम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला बंधनी मध्य दि जाइए प्रश्न अटे क्यों उद्देश्य भित्तिक चंद्र जदि पृथ्वी चतुर्पार्श्व परिक्रमण करने को 30 दिन समय निए तेज दुईट क्रमगत गुरुजुआर मध्य समय व्यवधान केते हम यहाँ क्यों प्रकार क्वेश्चन स्मरण भित्तिक निर्वाचन बोध भित्तिक ना कौशल भित्तिक ये देखो ना ये रिकग्निशन तो नुहे ये क्यों प्रश्न तम आप स्मरण भित्तिक कि देखो ये रिकग्निशन बेस्ड कहीं हेनी ना ये कौन प्रकार चॉइस दि जाए निर्वाचन भित्तिक कारण ये कौन प्रकार पिला चॉइस दि जाए कि चॉइस दि जाए ना जो चॉइस दि जाए से गुड़ा सब रिकग्निशन भितर आसी थाए तो यहाँ स्मरण भित्तिक हम ना बोध भित्तिक ना कौशल भित्तिक ये तो स्मरण भित्तिक भी किसी नुहे जो पिला मन रखी थोड़ा कारण ये दि जाए जदि एमती दि जाए 30 दिन समय निए तो पिला बाहर करमी समय व्यवधान तेनालीरु बोध भित्तिक आस कारण स्मरण भित्तिक तो आसुना कौशल भी ये नुहे स्किल भी नुहे तो बोध भितर आपंकर राइट आंसर होकर बोध भित्तिक पिलाटी तरह कैलकुलेट कर समय व्यवधान केमती बाहर कैलकुलेट कर तो यह बोध भित्तिक आसो। नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा खोला सामाजिक विज्ञान शिक्षक मैंने श्रेणी में वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली परीक्षण निम्ते व्यवहार करात्र परीक्षार विश्वसनीयता उपर सन्देह थाए तेणु एपरी परीक्षण विश्वसनीयता आने आम क्यों उपाय अवलंबन करवा उचित अन्य शिक्षक मैंने अवलंबन करुवा उपाय जानापी चेषा करेंगे प्रश्न संख्या वृद्धि करेंगे मानक परीक्षण प्रश्न व्यवहार करेंगे ना विभिन्न संस्था द्वारा प्रकाशित प्रश्नावली व्यवहार करेंगे।
तो देखो से कहते हैं सामाजिक विज्ञान एस एस टी टीचर जन से क्लास रे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यूज करते परीक्षा निम्ते कितु तक सन्देह रोचे विश्वसनीयता ना परीक्षण सन्देह रोचे तेणु विश्वसनीयता आने कौन करेंगे अन्य शिक्षक अवलम्बन करुवा उपाय जाना चेस्टा करेंगे ना प्रश्नर संख्या वृद्धि करेंगे ना मानक परीक्षण प्रश्न व्यवहार करेंगे ना विभिन्न संस्था द्वारा प्रकाशित तो राइट आंसर हो मानक परीक्षण प्रश्न व्यवहार करेंगे यूज स्टैंडर्डाइज टेस्ट ठीक है जी आपंकर गोटे एग्जाम आसी था स्टैंडर्डाइज टेस्ट आउट हो टीचर मेड टेस्ट टीचर मेड टेस्ट कहे किसी फर्माली किसी कौन कराए ना टीचर इच्छा है टीचर किसी क्वेश्चन बनाए पे एग्जाम देते टीचर मेड टेस्ट किंतु स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौगुड़ाक जोड़ाक पिलांकर बोर्ड एग्जाम है जोड़ाक आपंकर बोर्ड रू क्वेश्चन प्रस्तुत होकर आसूस जो मैंने विशेषज्ञ मैंने प्रस्तुत करुँच गोटे टाइम रोचे सठिक टाइम ये टाइम भितर ही पे एग्जाम कंडक्ट हम पूरा फर्माली कराऊ से सब स्टैंडर्डाइज टेस्ट भितर आसी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा क्योंकि सामाजिक विज्ञान शिक्षादान उद्देश्य नुहे व्हिच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ द सोशल साइंस शिक्षार्थी मैंने केवल वैज्ञानिक धारा को अनुसरण करेंगे यहाँ हूँ एस एस टी शिक्षादान उद्देश्य ना भौगोलिक भाषा और परिभाषा विषय शिक्षार्थी मैंने जानवे अर्थनैतिक क्षेत्र में विभिन्न देश किपर निर्भरशील अवगत होते ना परिवर्तित परिवेश शिक्षार्थी मैंने समयोजित होवार उपाय अवलम्बन करेंगे तो तल तीनोटी जाक हम कहीं देखते ये केवल सामाजिक विज्ञान शिक्षादान उद्देश्य या नुहे जे केवल वैज्ञानिक धारा को अनुसरण करेंगे जो केवल वार्ड लगे ओली तो ओली हम ना ठीक अच्छे कि तल अपसन तीनोटी हम कि अपसन नंबर एट हम ना तेनाली आप एलिमिनेट करें नेक्स्ट क्वेश्चन आसला इतिहास शिक्षादान पेशी और कौशलात्मक शिक्षण उद्देश्य सहित क्योंकि संपृक्त नुहे व्हिच वन इज नॉट रिलेटेड टू द साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग हिस्ट्री तो साइकोमोटर कथा कही साइकोमोटर अंतर्भुक्त क्योंकि नुहे पीपल्स प्रिपेयर मॉडल ऑफ फोर्स ना शिक्षार्थी मैंने मानचित्र गुरुत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान चिन्हट करेंगे ना शिक्षार्थी मैंने ऐतिहासिक मानचित्र अंकन करेंगे ना शिक्षार्थी मैंने ऐतिहासिक चरित्र मानक जीवन पाठ करवा देखो ऑप्शन नंबर बी आसवनी साइकोमोटर भितर आपको गोटे साइकोमोटर कथ पचार कौशलात्मक शिक्षण कारण ये देखते ऐतिहासिक चरित्र मानक जीवनी पाठ करवा ये आपंकर पलै आस भावात्मक उद्देश्य भितर अर्थात शिक्षार्थी विभिन्न प्रकार ऐतिहासिक चरित्र मानक विषय जीवनी पाठ करुच्छी किंबा आग्रह प्रकाश करुच्छी पढ़ापाई तो युवक सब अफेक्टिव भितर आसो ना कि साइकोमोटर ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा उच्च प्राथमिक विद्यालय सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम क्यों विषय टी अंतर्भुक्त कराए ना अपर प्राइमरी आपंकर सामाजिक विज्ञान अंतर्गत क्या इनक्लूड कर हिस्ट्री सिविक्स इकोनोमिक्स पॉलिटिकल साइंस तो राइट आंसर है आपंकर सिविक्स नगर विज्ञान को इनक्लूड कराए ना अपर प्राइमरी स्टेज रे नेक्स्ट क्वेश्चन गला डेल्क अभिज्ञता शंकु तो डेल्क अभिज्ञता शंकु मुझ सी डी सेक्शन भी थ्योरी पढ़े जो मैंने देखी ना देखिपारे तो कहला उपर तल आड़क सेमती अभिज्ञतार संख्या पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर से कही कौन करते ना शिक्षण सामग्री विस्तृत भाव श्रेणी विभाग करते तो से कहे जे उपर तल आड़क क्यों क्रमटे ठीक तर आपणकर मन रखी थे सभा उपरे कौन थी सभा उपरे आप मौखिक संकेत ठीक अच्छे मौखिक संकेत तो ये देखी पार्थ फास्ट मौखिक संकेत तीनोटी ऑप्शन ना कि डी ऑप्शन अच्छे डी ऑप्शन है जो राइट आंसर प्रथम मौखिक संकेत था पर दृश्य संकेत था स्थिर छवि चलचित्र परू तो आपंकर ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्यों प्रकार समयरेखा द्वारा समय घटना व्यक्तित्व को उपस्थापन कराई है बाय व्हिच टाइप ऑफ टाइमलाइन टाइम इवेंट एंड पर्सनालिटी आर प्रेजेंटेड कंपैरेटिव ना पिक्टोरियल ना प्रोग्रेसिव ना रिग्रेसिव देखो देखते आप जितेबाला पढ़ी एस एस टी आपर जो हिस्ट्री तो हिस्ट्री टाइम लाइन हूँ मुख्यतः इम्पोर्टाट तो टाइम लाइन आपर पढ़ी चारि प्रकार गोटे हूँ आपंकर प्रोग्रेसीव जोटा कहु गोटे रिग्रेसीव प्रोग्रेसीव कहे जिते बड़े घटना गुड़िक अतीतरु बर्तमान आड़क उपस्थित उपस्थापित कर पाला आगे अतीतरु बर्तमान आड़क से कहुए टाइम लाइन से कहुए प्रोग्रेसीव रिग्रेसीव कौन जो आम पाला बर्तमान ठार अर्थात बर्तमान ठार अतीत आड़क नौजे टाइम लाइन रे तो से रिग्रेसिव टाइम लाइन आपंकर आड़ हो तुलनात्मक तुलनात्मक कंपेरेटिव टाइम लाइन कौन हो विभिन्न देशर विभिन्न घटना को एपरी क्रम उपस्थापन कराई था पाने मानने एक ऐतिहासिक घटना को अन्य देशर घटना सहित जमी तुलना करेंगे कि गोटे घटना को अन्य घटना सहित तुलना करेंगे कंपेयर करेंगे तो सही कंपेरेटिव कि पिक्टोरियल टाइम लाइन कौन पिक्टोरियल टाइम लाइन यहाँ हूँ गोटे चित्रित समयरेखा यहाँ अधिक चित्ताकर्षक कर जो थी घटना आउ व्यक्तित्व को
संकेत माध्यम उपस्थापन करा पढ़ी थे डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छे जो मैंने पढ़ी थे से इजिली करें पिक्टोरियल टाइमलाइन चित्रित समयरेखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी उत्तम शिक्षादान शिक्षण क्योंकि आधार नुहे हुईस वन इज नॉट द सोर्स ऑफ गुड टीचिंग लर्निंग आनंददायी प्लेजर गिविंग ना ऑब्जेक्टिव बेस्ड ना एम्फासिस ऑन प्रैक्टिस ना वॉलंटियरी पार्टिसिपेशन। देखो गोटे उत्तम शिक्षादान शिक्षण कौटे आधार नुहे जे पिलामानंकु आमे अभ्यासीकरण उपरे गुरुत्व दबा सेटा नुहे। तो ये आनंददायी हम उद्देश्य भित्तिक हम स्वतस्फूर्त अंशग्रहण कारण देखो आपको कह जाता है गोटे उत्तम शिक्षण कार्यर चारोटी उपादान थाए गोटे ऑब्जेक्टिव बेस्ड से होता उद्देश्य भित्तिक लक्ष्य केंद्रिक होता गोटे आनंददायी होता थर्ड में आपको गोटे आह्वानमूलक होता फोर्थ में आपको स्वतस्फूर्त अंशग्रहण ये चारोटी होंगे आपंकर उत्तम शिक्षादान शिक्षण गोटे उत्तम शिक्षण कार्यर चारोटी उपादान थाए। तो ये अभ्यासीकरण आपंकर हम ना से चारोटी उपादान कहले से चारोटी उपादान मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला क्योंकि त्रिमात्रिक ब्लू प्रिंटर परिसरभुक्त नुहे व्हिच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए थ्री डायमेंशनल ब्लू प्रिंट। तो ब्लू प्रिंट विषय भी मुझे थियोरी आपंकर करी सीडीपी सेक्शन में कारण मुझे सीडीपी करी कारण ब्लू प्रिंट विषय आपंकर सबुति आसूस एस एस टी हो ईबीएस हो साइंस पेडागोगी हो तो सबुर पेडागोगी भी आसूसी। तो से कनसेप्ट जो आप देखी ना तो प्लेलीस्ट को जाकि देखिपारे। तो ब्लू प्रिंट परिसरभुक्त नुहे अर्थात ब्लू प्रिंट केमती न थाए प्रश्नर प्रकार शिक्षण उद्देश्य शिक्षण विषयवस्तु ना शिक्षण स्तर। तो से ब्लू प्रिंट पढ़े आपको देखेली जो लेफ्ट साइड में गोटे ब्लू प्रिंटर आपको पिक्चर देखेली ब्लू प्रिंटर लेफ्ट साइड में आपंकर शिक्षण विषयवस्तु थाए उपर आपंकर शिक्षण उद्देश्य लिखा जाए ज्ञानबोध प्रयोग दक्षता और तले प्रश्नर प्रकार लिखा जाए अर्थात आम संक्षिप्त लंग क्वेश्चन आंसर टाइप कि सर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप कौन दौर से उल्लेख थाए कि शिक्षण स्तर लर्निंग लेवल विषय से किसी उल्लेख न थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला प्रकल्प पद्धति कहार प्रगतिवादी दर्शन उपर आधारित प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन हुज प्रैग्मेटिक फिलोसोफी जॉन डुई स्टीवेनसन किलपैट्रिक ना मार्कर। तो राइट आंसर है जॉन डुई। जॉन डुई को प्रगतिवादी दर्शन उपर प्रकल्प पद्धति आधारित और प्रकल्प पद्धति आपंकर आउट क्वेश्चन आसी थाए जो कर्म द्वारा शिक्षा शिक्षा अपेक्षा जीवन द्वारा शिक्षा उपर गुरुत्व प्रदान करता है। स्टीवेनसन प्रकल्प पद्धति उपर कौन संज्ञा देते किलपैट्रिक कौन देते तो आर भी आप संज्ञा मन रखिए और मन रखिए किलपैट्रिक 1918 मसीह पद्धतिर सूत्र पात करते 1918 मसीह किलपैट्रिक पद्धतिर कौन य पद्धतिर सूत्रपात करते कि पद्धति जॉन डुई को प्रगतिवादी दर्शन पर आधारित तो। स्टीवेनसन जो संज्ञा देते बेले बेले क्वेश्चन आसे जे स्टीवेनसन जो संज्ञा देते के मसीह देते आपंकर आई थिंक 1830 ठीक रे मन पड़ूनि तो आप देखने ये आपंकर बुक रे भी अच्छी ठीक अच्छे आपको डायरेक्ट ये जिनस गुड़ाक मन रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसला जे शिक्षण मान निर्धारण निम्ते क्योंकि एक साधनी नुहे व्हिच वन इज नॉट ए टूल फॉर लर्निंग असेसमेंट असेसमेंट रेटिंग स्केल चेकलिस्ट ना क्वेश्चन है। देखो ये आपको पचार गोटे टूल नुहे टूल कथा देती तो ये आपको राइट आंसर रही है परीक्षण कहीं आपने जानते रेटिंग स्केल चेकलिस्ट ये आपंकर पर्यवेक्षण कौशल टूल रूप में व्यवहार करता है प्रश्नगुच्छ आपंकर परीक्षण कौशल टूल रूप में व्यवहार करता है कि परीक्षण कथा देती परीक्षण गोटे टूल नुहे परीक्षण हूँ गोटे टेक्निक परीक्षण हूँ गोटे कौशल परीक्षण पर्यवेक्षण ये दुटा मुख्य कौशल रूप में व्यवहार करता है और तार सब साधनी भितर एगुड़ाक सब जाऊँगी टूल कि परीक्षण गोटे टूल नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला भारतीय व्यवसायी मैंने सरी ये तो आपंकर कंटेन्ट रू दुटा रही जाइए तो ये आपंकर टोटाल पेडागोगिक क्वेश्चन आपंकर 33 पाखापाखी क्वेश्चन याद अच्छे। तो आई थिंक आप किसी हेल्पफुल होता है जब हेल्पफुल होता है निश्चित भाव में लाइक सेयार सब्सक्राइब करा भूलिए ना और जहाँ डाउट रही है आप कमेंट सेक्शन में जन पारे कि टेलीग्राम में जॉइन होने टेलीग्राम में जन पारे टेलीग्राम में बहुत पिला ओटेट रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कसन करते आप जॉइन करेंगे। तो आज ये थैंक यू।